सिल उड़ारियां की बात करें तो शो में आप सभी को बताते चले कि यहां पर आसमा जो है वो किसी भी हाल में मुअर्तजम और जैद को उनके मुल्क पहुंचाना चाहती है। यहां पर पुलिस आसमा के पीछे पड़ी हुई है, किसी भी हाल में आसमा मुअर्तजम और जैद को रोकना चाहती है। अब यहां पर माता रानी के मंदिर में आसमा जो है आकर छुपती है और फिर मुअर्तजम और जैद के सर पर माता रानी का वो चुन्नी भी बांध देती है ताकि किसी को इस बात का एहसास ना हो कि ये हिंदू ना है। वेल, अब ऐसे में पुलिस वहां भी पहुंच गई है और पुलिस ढूंढ रही है आसमा और मुअर्तजम। जैद जब भागते हैं तभी आसमा नीचे गिर जाती है और आसमा को देख लेती है पुलिस। पुलिस जो है आसमा के पीछे भागती है। यहां पर आसमा किसी भी तरीके से मुअर्तजम और जैद को उनके मुल्क पहुंचाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करने में लगी हुई है। यहां पर आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन लोगों को उनके मुल्क पहुंचाने के चक्कर में आसमा बुरी तरीके से फंसने वाली है। यहां आप देखने वाले हैं आज के एपिसोड में बिग ट्विस्ट, क्योंकि यहां पर अरमान पहुंच जाएगा आसमा को बचाने के लिए। यहाँ पर वेश बदलकर अरमान आने वाला है। यहाँ पर आसमा जो है वो मुअर्तजम और जैद को उनके मुल्क पहुंचाने ही वाली होगी। तब तक मुअर्तजम को लगने वाली है गोली। यहाँ मुअर्तजम जो है वो जान से मारा जाने वाला है। यहाँ पर बच जाएगा जैद। जैद को लेकर आसमा वापस लौटेगी। देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा शो में आगे।